बिल पर बवाल, समर्थन और सवाल। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया तो अब पक्ष और विपक्ष में बिल का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। लिहाजा इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं कांग्रेस ने बिल को मोदी का एक स्टंट करार दिया है। कहने का मतलब, सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया है लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा भी जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा भी। जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई तो वहीं मायावती ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चुनावी प्रलोभन बताया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी केंद्र सरकार से एसटी एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देकर बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। डीएमके सांसद कनिमोजी ने इसे चुनावी वादा बताया है। सपा का पक्ष रखते हुए डिंपल यादव ने कहा कि सपा की हमेशा मांग रही है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। जब बीजेपी सरकार का एक दशक पूरे होने जा रहा है, अब सरकार को महिलाओं की याद आई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये लागू हो गया या नहीं। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और इस एक दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है, तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। डीएमके सांसद कनिमोजी ने बताया कि मुझे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बोलते हुए खुशी हो रही है। हमने सोचा था कि यह विधेयक हम सभी के एक दूसरे का समर्थन करने और एक साथ खड़े होने से पारित हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा ने इसे भी राजनीति के अवसर के रूप में लिया है। महिला आरक्षण विधेयक भाजपा का चुनावी वादा है। I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking and it is very unfortunate. सदन में टीएमसी सांसद काकुली घोष ने भी अपनी बात रखी और बिल का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां महिला सीएम है, जबकि बीजेपी की 16 राज्यों में सरकार है, इसके बावजूद एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। लोकसभा में टीएमसी की 40% महिला सांसद हैं और ममता बनर्जी राज्य की मुखिया हैं। इन द असेंबली वी हैव मोर वुमेन देन एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। वी हैव मोर वुमेन मिनिस्टर्स अलोंग विद ममता बनर्जी एंड इन द लोकसभा राइट फ्रॉम 2014 वी हैव बीन हैविंग मोर देन 33% रिजर्वेशन within the party, so to say, without any forceful reservation being implemented through any parliamentary procedure or through the election commission. At the moment, in this August House of Lok Sabha. महिला आरक्षण को लेकर मुखर रहने वाली बीएसपी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर बिल को लेकर केंद्र सरकार की नियत पर सवाल उठाए। संसद में संगीता आजाद तो संसद के बाहर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बिल को लेकर हमला बोला। लोकसभा में संगीता ने कहा बसपा इस बिल पर समर्थन करती है लेकिन बिल लागू कब होगा ये सवाल है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा, जनगणना में काफी समय लगता है।
इसके बाद ही ये बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उनकी आधुनिक और प्रगतिशील सोच का नतीजा है कि जब संविधान की रचना की जा रही थी, तब बाबा साहब ने सर्व समाज की महिलाओं को, जिनको पढ़ने लिखने, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको संविधान में सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब ने जहां हमको एक वोट का अधिकार दिया, वहीं माननीय कांचीराम साहब ने उस एक वोट की कीमत को दलित, शोषित, वंचित वर्गों को समझाने का काम किया। और उस समय यह नारा भी चला कि कांचीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। आज बाबा साहब और माननीय साहब कांचीराम साहब की ही देन है, जिसके कारण हम जैसे वंचित समाज की महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल सोनिया गांधी ने भी बिल को लेकर अपनी राय रखी है। सोनिया गांधी ने सदन में कहा, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूँ, ये मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है, लेकिन एक चिंता भी है कि पिछले 13 साल से महिलाएं राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही थी, अभी उनसे और इंतजार करने के लिए किया जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, कितने साल का ये इंतजार है। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? सोनिया गांधी के सवालों का जवाब सदन में स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि कांग्रेस कहती है कि यूपीए की सरकार के समय यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ, जब यह अधिनियम लागू होगा तो 15 वर्ष तक महिला को आरक्षण की गारंटी रहेगी। मैं पीएम और कानून मंत्री का इस बिल के लिए अभिनंदन करती हूँ। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बता दें, बिल और बिल में SC/ST OBC आरक्षण को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। ऐसे में ये सियासत कहाँ जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।